नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं देश देशांतर, मैं हूं कवीन सचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक को संबोधित करते हुए आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती करार दिया और कहा कि अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद में भेद करना सबसे ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने बैठक में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत का इकोनॉमिक विजन पेश करते हुए न्यू इंडिया की तस्वीर सामने रखी और दुनिया को भारत में निवेश का न्योता दिया। पीएम मोदी ने बताया कि 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा जब आए थे, उस वक्त देश की अर्थव्यवस्था महज 400 बिलियन डॉलर की थी, लेकिन आज ये 6 गुना ज्यादा बड़ी हो चुकी है। आज बात करेंगे दावोस में दिए पीएम के संबोधन और संकेतों पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को विश्व आर्थिक मंच की 48वीं बैठक के उद्घाटन सत्र में भारत की नई आर्थिक तस्वीर पेश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3.5 साल में उनकी सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता चुना। उन्होंने बताया कि भारत अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों में ऐतिहासिक बदलाव कर रहा है, जिसके चलते भारत में निवेश करना, यात्रा करना, उत्पादों का निर्माण और निर्यात करना पहले की तुलना में बहुत आसान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र, युवा आबादी और नीतियों में गतिशीलता को मिलाकर विकास के सपने को साकार किया जा रहा है। मैं आप सबका आह्वान करता हूं कि अगर आप वेल्थ के साथ वेलनेस चाहते हैं तो भारत में आइए। अगर आप हेल्थ के साथ जीवन की होलनेस यानी समग्रता चाहते हैं तो भारत में आए। अगर आप प्रॉस्पेरिटी के साथ पीस चाहते हैं तो भारत में आए। आप भारत आए, भारत में हमेशा आपका स्वागत होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्वीकरण के सिकुड़ते दायरे को दुनिया के सामने 3 बड़ी चुनौतियां बताया। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर सबको साथ मिलकर चलने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों के अच्छे और बुरे के बनावटी भेद को एक बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण की चमक फीकी पड़ती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध इस चिंताजनक स्थिति का हल अलगाव में नहीं है, इसका समाधान परिवर्तन को समझने और उसको स्वीकारने में है। बदलते हुए समय के साथ चुस्त और लचीली नीतियों का स्वीकार करने में है, बनाने में है। प्रधानमंत्री ने बटी हुई दुनिया को एकजुट करने के लिए 4 सुझाव भी दिए। इनमें विश्व की बड़ी ताकतों के बीच सहयोग के संबंध स्थापित हों, नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पालन हो, विश्व के प्रमुख राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा से संबंधित संस्थानों में तुरंत सुधार हो, साथ ही विश्व की आर्थिक प्रगति में और तेजी लाना भी शामिल है। आप प्रिडिक्टेबल, स्टेबल, ट्रांसपेरेंट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया विल कंटिन्यू टू बी द गुड न्यूज इन एन अदरवाइज स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड फ्लक्स। एन इंडिया where enormous diversity exists, harmoniously will always be unifying and harmonizing force. 2 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने विश्व आर्थिक मंच को संबोधित किया है। इससे पहले 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने फोरम को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तब भारत की जीडीपी महज 400 अरब डॉलर की थी, जो अब 6 गुना बढ़ चुकी है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो दावोस के मंच से प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं और जो संकेत दिए हैं, उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत पर इसका क्या असर हो सकता है और भारत में किस तरीके की आगे की संभावना है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। डॉक्टर सुभाष पांडे हमारे साथ हैं, अंतरिक्ष सचिव और वित्तीय सलाहकार DIPP से। हमारे साथ शशांक जी हैं, पूर्व विदेश सचिव। हमारे साथ धनेंद्र कुमार हैं, पूर्व कार्यकारी निदेशक, विश्व बैंक वॉशिंगटन में रहे हैं। और साथ ही प्रोफेसर गौरव वल्लभ हमारे साथ हैं। आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा धनेंद्र जी आपसे। प्रधानमंत्री जब दावोस में न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं और जब सबसे सेफ और शांति के साथ यहाँ पर विकास की बात कर रहे हैं, इसके साथ आप उनके आज के संबोधन में और क्या कुछ संकेत देखते हैं?
मेरे विचार से आज प्रधानमंत्री मोदी जी का जो उद्घाटन संबोधन था डेवोस में, ये बहुत ऐतिहासिक अवसर था। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये मौका मिला कि वो इस प्रेस्टीजियस फोरम का उद्घाटन करें, तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है। 20 साल बाद देवगौड़ा जी के बाद में पहली बार दूसरे कोई प्रधानमंत्री भारत से वहाँ गए, ये बड़ी बात है। प्रधानमंत्री जी की पूरी स्पीच जो आज थी वो इस प्रकार से थी, एक जैसे वर्ल्ड लीडर कोई, एक वर्ल्ड स्टेट्समैन इस प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हो और देश के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती हैं उनके बारे में जिक्र कर रहा हो, न सिर्फ अपने देश के बारे में। उन्होंने सारी स्पीच में शुरुआत में वो बातें की। इनफैक्ट शुरुआत में जो उन्होंने जिस तरीके से शुरू किया वो बड़ा ह्यूमरस तरीके से शुरू किया, 1997 और आज के बीच के डिफरेंसेस के बारे में, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर तब अमेज़ॉन को आप इंटरनेट पे ढूंढते तो शायद आपको नदियाँ और जंगल दिखाई देते, उस वक्त सिर्फ चिड़िया ही ट्वीट किया करती थी, आज इंसान भी ट्वीट करते, वगैरह वगैरह। उन्होंने इसके बाद में जितनी बातें की, तीन मुख्य बातें थी जिसमें क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी बात थी, काफ़ी देर उन्होंने इस पर चर्चा की, और जो कदम भारत ने उठाए हैं उसकी चर्चा की, आतंकवाद की चर्चा की, और वैश्वीकरण के संदर्भ में सिकुड़ते दायरे जी, इसमें एक और ग्लोबलाइजेशन की बात होती है और बहुत सारे देश उसमें प्रोटेक्शनिज्म की बात करें, इसकी बात की, और भारत में जितने नए कदम उठाकर आज देश की अर्थव्यवस्था को बहुत सुदृढ़ आयाम दिया गया है और नए नए पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया गया है, जिसके फलस्वरूप IMF ने भी कहा है कि 2018 में विकास की दर 7.4% हो जाएगी और भारत को कई फोरम में सबसे बड़े जो आकर्षक अर्थव्यवस्थाएं हैं विश्व की, अब तो सबसे बड़ी उसमें जगह मिली और उसका शायद इसको गिना जाए, उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया भी है। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन जी शशांक जी, आपकी नज़र में क्योंकि तीन बड़ी बातें हैं, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की वजह प्रधानमंत्री कर रहे हैं, और जब उन्होंने शुरू किया 97 से जब जिक्र शुरू करते हैं GDP का दायरा या उसका आकार और आज के दौर में भारत का आकार, IT सेक्टर या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो हुए हैं नए लॉज या रिफॉर्म्स के जरिए, उसे कैसे देखते हैं, और दुनिया के सबसे बड़े मैं कहूँ आर्थिक मंच पर जब इस बात को भरोसे के साथ रखा जाता है तो उसका इम्पैक्ट दुनिया पर क्या होता है। बहुत बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो ये कहा कि 6 गुना भारत की इस समय आर्थिक स्थिति हो चुकी है, मतलब ये है कि उन्होंने पिछले 2-3 साल में नहीं किए, लगातार भारत के जो है, चाहे सरकार रही हो चाहे जो है प्राइवेट सेक्टर रहा हो, सब ने मिलजुल कर इसको, भारत को नई टेक्नोलॉजीज़ को लाकर नए तरीके से अपने डेमोक्रेटिक रिजीम रखते हुए तेज़ प्रगति करी है, तो ये बात को दिखाना उन्होंने बहुत बड़ी बात करी है, ताकि एक तरीके से भारत की यूनिटी, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कंटिन्यूटी की जो बात करी है उन्होंने पॉलिसीज़ में। दूसरा मैं कहूँगा कि पिछले साल यही भाषण, उद्घाटन भाषण करा गया था चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा, उन्होंने 1 घंटे बोला था। इस बार पूरे विश्व की और भारत की भी आवश्यकता थी कि वो क्या ऑल्टरनेटिव विजन कोई और एशिया में है या नहीं है, कोई और वॉइस है या नहीं है, तो इसलिए इस बार चूंकि हमारे प्रधानमंत्री वहाँ बोले तो इसलिए खाली वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट या बाहर के इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रिचेस्ट पीपल वर देयर, उनको तो बुलाया ही उन्होंने, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक तरीके से नई नीतियाँ बताई कि किस तरीके से डेमोक्रेसी होते हुए, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ वगैरह को होते हुए हमने जो है कैसे आर्थिक प्रगति को तेज़ किया है और सब देशों के साथ में मिलजुल कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं कहूँगा कि उन्होंने एक नया जो विज़न रखा है। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जो डिफिडेंस भारत के प्रेजेंटेशन में इंटरनेशनल सर्कल्स में मिलता था, कि कभी नॉन अलाइनमेंट की बात होती थी, कभी नॉन अलाइनमेंट 2.0 की बात होती थी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात होती, अब एंगेजमेंट की बात हो रही है, वो डिफिडेंस चली गई है। वो कहते हैं कि प्लुरलिस्टिक वर्ल्ड है और उसमें जो है सबके साथ एंगेज करना होगा, सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को जो है इस समय रिफॉर्म करना होगा, और सब देशों को जो बड़े देश हैं, तो मैं समझता हूँ कि भारत को भी उन्होंने उसी कैटेगरी में रखा है कि सब बड़े देशों को
आपस में सहयोग करना होगा। तो एक तरीके से ये चीन के लिए, अमेरिका के लिए, रूस के लिए संदेश है कि हम सबको मिलजुल कर जो परेशानियां हैं, चिंताएं हैं दुनिया के सामने, सब चुनौतियों को दूर करना चाहिए। मैं और आतंकवाद का जो मसला उन्होंने लिया, क्योंकि जो प्रश्न जैसे धनेंद्र जी ने बोला है, उसी तरह से कुछ प्रश्न ऐसे कि वो हर आर्थिक नीति के पीछे भी लगे रहते हैं, तो उनको उन्होंने जो आइडेंटिफाई, उन चुनौतियों पर भी आऊँगा जिसकी चिंता प्रधानमंत्री मोदी ने दावोस में की है। लेकिन उससे पहले गौरव, दो बड़ी बातें, जिस तरीके से पूरे पोटेंशियल के साथ पीएम पिच कर रहे हैं इंडिया को और बदलते एनवायरनमेंट को, न सिर्फ आर्थिक लिहाज से बल्कि जब वो बात करते हैं वेल्थ और वेलनेस की, बात करते हैं हेल्थ और हॉलीनेस की, बात करते हैं प्रॉस्पर्टी और पीस की, दुनिया में चुनिंदा जो तमाम देश हैं जहां पर निवेशकों के लिहाज से या फिर दूसरे कारणों से इस वक्त बड़ा अट्रैक्शन है, उनमें इंडिया टॉप रहता है। कैसे इस मंच के जरिए इस संदेश को आप पढ़ते हैं और दुनिया के दूसरे उन देशों के लिहाज से वो कितना वाजिब या कितना ठोस दिखता है? देखिए, अगर हम विश्व की मेजर अर्थव्यवस्थाओं को देखें, भले वो यूरोप की हो या अमेरिका की हो या चीन की हो, हम यूरोप लगभग 1.5 से 2% की ग्रोथ से ग्रो कर रहा है, अमेरिका 1 से 1.5%, चीन 6 से 6.5%। तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे कंजम्पशन भी है क्योंकि हम 130 करोड़ लोगों के साथ बैठे हैं, और ग्रोथ भी है क्योंकि सारे प्रेडिक्टर्स हमें जीडीपी ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो जो आज जो 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 चीज़ें उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने जो फोकस करी है, वो ये है कि अगर हम वैश्विक जीडीपी को लें तो उसका डेट वैश्विक जीडीपी का 3 गुना है, मतलब सारे के सारे देश डेट से ओवरबर्डन्ड है, और भारत एकमात्र ऐसा देश रहा है जहाँ पे लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और लो कॉस्ट एफिशिएंसी हम आज भी ला सकते हैं। तो ये एक तरह से एक ये पिच है कि टेक्नोलॉजी, लोग आएँ, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करें, लोग लाएँ, टेक्नोलॉजी को साथ आएँ, हम यहाँ पे उसको रिप्लिकेट करें, क्योंकि हम यहाँ आपको कंजम्पशन भी दे सकते हैं और लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब भी बना सकते। दूसरी बात, अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया की जीडीपी के मुकाबले, सारे देशों की जीडीपी मिला के, स्वास्थ्य पे लगभग 8 से 9% जीडीपी का खर्चा होता है, भारत में ये 6 से 6.5% है। तो अब ये जो होलिस्टिकनेस, पीस विथ प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि हमने एक योगा को भी इस सम्मेलन में एक बहुत प्रमुख अट्रैक्शन की तरह पेश किया गया है, जो कि एक होलिस्टिक ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता है। तो ये योगा का जो इश्यू है वो निश्चित रूप से एक इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ को एक इंगित कराता है, और किस तरह हम लो कॉस्ट हेल्थ इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ सकते हैं, उसकी तरफ एक डायरेक्शन देता है। तो ये मैं ये हेल्थ वेलनेस और प्रॉस्पेरिटी पीस, इनसे इकोनॉमिकली ये दो चीज़ें इनडायरेक्ट रूप से बाहर आ रही हैं। सुभाष जी, क्योंकि अब जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री मोदी ने दावोस में की है और जो तस्वीर उन्होंने रखी है, आर्थिक तौर पर मैं कहूँ 20 साल में बदलते भारत की तस्वीर, आर्थिक सुधारों के लिहाज से और साथ ही साथ सांस्कृतिक और शांति के लिहाज से भी, ऐसे में क्या चैलेंजेस आपको देखते हैं जो कि अब धरातल पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है, इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, जिस दिशा में हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत महसूस होती है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्घाटन संबोधन में जो कुछ डावोस में कहा, मैं उसको एक व्यापक संदर्भ में रखना चाहूँगा। विश्व के सभी मंचों पर भारत ने हमेशा ही एक बड़ी जिम्मेदार भूमिका निभाई है और अपनी नेक नियति, जिम्मेदारी का और परिपक्वता का परिचय दिया है। 2018 का भारत ऐसा है कि आज मैं ये कहने से हिचकिचाऊंगा नहीं कि आज विश्व को शायद हमें हमारी ज़्यादा ज़रूरत है जितनी कि भारत को विश्व से, और वो इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई और देश नहीं है विश्व में जहाँ पर जो इतनी बड़ी आबादी, पूर्ण प्रजातांत्रिक तरीके से इतने सघन व्यापक आर्थिक सुधार कर रही हो, जहाँ 100 करोड़ से ज़्यादा लोग जिनके पास अपनी डिजिटल बायोमेट्रिक आईडी है, अब जो बैंक अकाउंट और मोबाइल से लिंक्ड है, इतना बड़ा मार्केट है, नौजवानों से भरपूर है, जहाँ 2/3 आबादी 35 साल से कम की उम्र की है, तो ये ऐसे पॉजिटिव हैं। और उसके बाद भी आलम यह है कि हमारा कोई विस्तारवादी नींद नहीं है, हमें पर्यावरण संरक्षा पर, आर्थिक विषमता पर, आतंकवाद पर,
कर चोरी और काला धन, ये सभी केवल देश के मुद्दे नहीं हैं, ये आज सारे विश्व के मुद्दे हैं और भारत इन सब में, जिसको हम कहते हैं ग्लोबल वॉर ऑन ऑल दीज फ्रंट्स, उसमें भारत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और उसके लिए आमंत्रण की प्रतीक्षा में है। तो इसको मैं इस तरह से देखता हूँ कि आज जो कुछ भी भारत में हो रहा है, जिस तरह के आर्थिक सुधार हो रहे हैं, हम एक नया मॉडल पेश कर रहे हैं ग्रोथ का। पहले ग्रोथ कैसे होती थी, या तो उपनिवेशवाद के थ्रू होती थी, जिसमें कि आप उपनिवेश के संसाधनों का दोहन करते थे। उसके बाद एक ऐसा दौर आया जिसमें कि आपने केवल सस्ता श्रम और महंगा श्रम के विषमताओं पर आधारित ग्रोथ देखी। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इंडस्ट्री, तो ये जो हम मॉडल पेश कर रहे हैं आर्थिक विषमता के हित में, कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इनकम ट्रांसफ़र, लीकेज प्रूफ ट्रांसफ़र, वो हम भारत में करके दिखा रहे हैं, इसको और आगे बढ़ाने की और बढ़ाए की जरूरत है, जिससे ऐसी डिमांड पैदा होगी, जो ऐसा ग्रोथ पैदा होगा जो विश्व के लिए एक उदाहरण हो सकता है। धनंजय जी, जो बात सुभाष जी कह रहे हैं, उसको थोड़ा सा और आगे समझना चाहूँगा आपसे। प्रधानमंत्री, और हम जानते हैं कि डेटा को लेकर जो बात उन्होंने कही कि आज डेटा जिसके पास बड़ा आकार है वो एक बड़ी महाशक्ति है, लेकिन उसकी चुनौतियाँ भी हैं, उसके खतरे भी हैं, और जिस तरीके से डिजिटाइजेशन हुआ है और ग्लोबलाइजेशन की जब बात वो करते हैं, उन्होंने कहा कि इसने एक खाई भी पैदा की, सिकुड़ा है और अपने वास्तविक लक्ष्यों और अर्थों से ऐसा लगता है कि अलग हटता दिखता है। इसे आप कैसे देखते हैं, इस मैसेज को? प्रधानमंत्री जी ने शुरू में ही जब 1997 और आज के बीच के जो चेंजेस हैं उनका जिक्र किया था, तो उन्होंने बहुत अहम तरीके से टेक्नोलॉजी की आज बेहद अहम भूमिका आज के परिप्रेक्ष्य में जो है उसका जिक्र किया था, और डिजिटाइजेशन और जो भारत में चेंजेस हो रहे हैं इसके फलस्वरूप, जैसे अभी कहा गया, पांडे जी ने कहा कि उसके माध्यम से अब इतने अकाउंट्स खुले, इतने लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया और उन सबको ट्रांसफ़र किया गया, सारे उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको, इन सब की बातें हुई। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी बातें जो अपने इस कॉम्प्रिहेंसिव भाषण में की, उनमें एक तो भारत की बहुत पुरातन संस्कृति और उसमें जो हमारे वेद पुराण और उसके अंदर जितनी बातें लिखी हुई हैं, जिनका आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जिनकी इस वक्त ज़रूरत है, चाहे वो वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, चाहे वो मानव और प्रकृति के बीच में एक आवश्यक संगम की बात हो, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया। उन्होंने एक दो बातें और बहुत अच्छी की, जिसमें कि उन्होंने मिसाल के तौर पे ये उन्होंने कहा कि भारत में जो प्रजातंत्र है ये सिर्फ एक राजनीतिक सिस्टम नहीं है, बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। तो ये बात भी बहुत ही अहम है, और एक इस बात का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आज भारत में जो स्टेट्स हैं उन सब में एक प्रतिस्पर्धा, एक अच्छी कंस्ट्रक्टिव हेल्दी प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन सी स्टेट किस तरीके से ज़्यादा पूंजी निवेश आकर्षित कर सकती है, अपने सिस्टम्स को सरल कर सकती है। और इसके फलस्वरूप विश्व बैंक ने जो रैंकिंग में सुधार किया है उसका काफी हद तक श्रेय इस बात को भी जाता है कि स्टेट्स ने भी इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। यानी और लगातार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के जो यंगस्टर्स हैं, जी सर, कंटिन्यू करें। इतना काम किया है, उन्होंने ये भी बात की कि भारत के 30 मिलियन लोग NRIs ये बाहर हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में उनकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में तेजी से काम कर रहे हैं। इन सब बातों का कुल मिलाकर एक ये निकलता है निचोड़ कि भारत में आज के दिन इतने ज़्यादा सुअवसर हैं कि अगर आप आएँ यहाँ पूंजी निवेश करें तो आपको उसका जो फल मिलेगा, जो उसमें आपको उसका लाभ होगा, वो कहीं गुना ज़्यादा होगा कहीं और करें उसके मुकाबले में। और एक और बात मैं इस पर चाहूँगा गौरव आपसे एक रिएक्शन, जब उन्होंने कहा कि $5 ट्रिलियन की जो की बात है जिसकी तरफ भारत के लोग या भारत के युवा ले जाना चाहते हैं, और जॉब सीकर नहीं होंगे बल्कि जॉब गिवर की पोजीशन एनेबलर्स बेसिकली उस दिशा में होंगे, इसको फॉर्मुलेट करने के लिए या फिर धरातल पर उतारने के लिए जो सरकार इस वक्त काम कर रही है,
क्या कुछ और इंस्ट्रूमेंट हैं, क्या कुछ और टूल्स हैं जिनको हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत होगी आपकी नज़र में? देखिए, जो हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे कि 35 वर्ष से कम आयु के लगभग 65% जनसंख्या है आउट ऑफ 130 करोड़, तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत बड़ी एसेट है, पर साथ के साथ वो एम्प्लॉयमेंट भी मांगते हैं। तो हमें ऐसी नीतियाँ बनानी है कि जिससे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के सीधे साधे मॉडल है, आप सर्विस इंडस्ट्री में मान लो 1 करोड़ का टर्नओवर लाते हो और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में 1 करोड़ का टर्नओवर लाते हो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 times ज़्यादा होता है। तो हमने क्या किया, जो बेसिक जो प्रीमाइस थी इकोनॉमी की कि हम एग्रीकल्चर से फोकस होके सीधा सर्विस सेक्टर पे जंप कर गए, वहाँ की ग्रोथ से जीडीपी को सस्टेन किया। तो ये जो मंच है, यहाँ से मुझे लगता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो टेक्नोलॉजी लेके देश आए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करें और हमारे लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिले, पहली चीज़। सेकंड चीज़, आज प्रधानमंत्री और जो सरकार है वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ पूर्णतः फोकस है, क्योंकि वो कहते हैं, आपने कई बार सुना भी होगा, एक उदाहरण भी देते हैं कि भाई कोई मच्छर ज़्यादा है तो वहाँ पे किस तरह मच्छरों का लो कॉस्ट तरीके से निदान किया जा सके, तो ऐसी कोई तकनीक बनाई जाए। तो ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर है, इसमें ज़बरदस्त उछाल आया है। आपको मैं ये भी बताऊं कि जो अटल ट्विंकलिंग लैब है, वहाँ पे लगभग 600 नए आइडियाज़ आए हैं जो कि एक सोशल कॉज को प्रॉब्लम को हटाते हैं और लो कॉस्ट लेवल तरीके से वो हटाते हैं। तो ये एक भारत का होलिस्टिक व्यू जो प्रधानमंत्री ने प्रस्तुत किया आज, कि हम हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास कंजम्पशन भी है और हमारे पास दूसरी पूरी दुनिया को उस टेक्नोलॉजी को रिप्लिकेट करके वहाँ पे आपको वो सर्विस या प्रोडक्ट पहुँचाने की ताकत करें। भी है जी। सुभाष जी, एक और जो चैलेंज दिखता है सरकार के सामने, जब इस तरह के हम बात कर रहे हैं और दुनिया एक छोटे से मंच के तौर पर है और निवेशकों के लिहाज से हमने पिछला साल बहुत एक नया रिकॉर्ड बनाया है, क्या बड़ा चैलेंज आपको दिखता है नीतियों की दिशा में जहां पर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसे अमल में लाने के लिए? स्टेट के साथ कोलैबोरेशन की बात करें या फिर मैं एक साझेदारी की बात होती है, क्या वो चैलेंज है या इससे अलग कुछ और भी आप नज़र में? देखिए, अगर हम औद्योगिक नीति को देखें, हमने जो इसको 1991 में जब पहली बार इसका वो हुआ था, समीक्षा हुई थी, उसके बाद हमने व्यापक तौर पर इसमें उदारीकरण की नीति अपनाई थी और कई ऐसे सेक्टर्स जो पहले प्राइवेट सेक्टर जिनमें आना मनाही थी वो प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिए गए थे। और ये धीरे धीरे जो हमने देश में आयात होने पर जो कर के तौर पर हमने उसमें बाधाएं रखी थी वो भी धीरे धीरे कम की, और ये भारतीय उद्योग का एक विश्वास बताता है कि इस 1991 के बाद से आज तक उन्होंने उसके बावजूद कितनी प्रगति की है और क्या कुछ काम हासिल किया है एक ओपन इकोनॉमी के तहत। तो अभी जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि ऐसी ग्रोथ हो जो जॉब क्रिएटिंग या जॉब क्रिएटिंग ग्रोथ की तरफ हो। तो उसके लिए दो चीज़ें होंगी, एक तो जो है जिसको हम कहते हैं शेयरिंग इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ें जी, और दूसरा सर्कुलर इकोनॉमिक, जिससे कि ऐसा विकास हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके और पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सके और संसाधनों का भरपूर एफिशिएंटली उसका उपयोग। जिसकी चिंता शायद प्रधानमंत्री ने कही भी कि जो दो बड़ी चिंता, तीन बड़े चैलेंजेस हैं जी, हाँ। उस पर भी उन्होंने एक दिया कि किस तरीके का विजन हो सकता है। वक्त की कमी है लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल देश देशांतर में आज इतना ही, नमस्कार।